तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल होल्डर्स के बारे में। दो ऐसे मोबाइल होल्डर्स जो कि काफ़ी बेस्ट हैं अपनी क्वालिटी में और उनकी यूटिलिटी भी बहुत अच्छी है, प्लस उनका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। तो इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो तरह के मोबाइल होल्डर जो कि बेस्ट हैं अपनी क्वालिटी में, और अगर आपको कोई मोबाइल होल्डर लेना है तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। पोट्रॉनिक्स ब्रांड अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उसे नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो पहला जो मोबाइल होल्डर है वो है एसी वेंट में लगाने वाला, और दूसरा जो है वो है ग्लास पे लगाने वाला। तो पहले मैं आपको जो ये एसी वेंट पे लगाने वाला है इसके बारे में बताता हूँ। तो ये पूरा डिसअसेंबल्ड आता है, पहले इसे असेंबल करना होता है, और ये जो लीवर आप देख रहे हैं इसको ये बेसिकली टाइट करने के लिए यूज़ होता है। जब भी आप इसे एसी वेंट पे लगाएं, इसे लगाने के लिए वेंट में आपको इसको पूरा अंदर तक पुश करना ताकि अपने पूरे एज तक पहुंच जाए, और उसके बाद इसे लॉक कर देना। लॉक करने के बाद ये कहीं नहीं जाएगा, अपनी पोजिशन पर ही रहेगा। और इसे अगर आपको इसके अंदर फ़ोन लगाना है तो उसके लिए यहाँ पे पीछे बटन है जिसे आपने प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे मैंने बटन प्रेस किया ये ओपन हो गया। इसके बाद आप अपना फ़ोन इसमें रख सकते हैं, और फ़ोन रखने के बाद इसे लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद आपका फ़ोन यहाँ पे माउंट हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी तरफ इधर या उधर, एंड आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फ़ोन जो है वो माउंट हो जाएगा, और निकालने के लिए भी आपको सेम ही करना है, इसे प्रेस करना है और इसे निकाल लेना है। और अगर मैं इस होल्डर की बात करूँ तो इसमें अंदर रबर की ग्रिप है, प्लस यहाँ पर भी रबर है, यहाँ पर भी है, ताकि आपके फ़ोन को कोई भी डैमेज ना हो। अगर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए यहाँ पर रहता है और गाड़ी वाइब्रेट होती है तो किसी प्रकार के डैमेज आपके फ़ोन को नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रबर ग्रिप दी हुई है। यह है दूसरा वाला होल्डर, ये भी डिसअसेंबल्ड आता है, इसे आपको असेंबल करना पड़ेगा जो कि काफ़ी आसान होता है, और उसके बाद आप इसे मिरर पे लगा सकते हैं। तो मिरर पे लगाने का तरीका बहुत आसान है, आपको अपनी पोजीशन सेट करनी है कहाँ लगाना है, और उसके बाद इसका एक लीवर है उसे प्रेस कर दीजिए, ये एकदम स्टिक हो जाएगा अपनी जगह पे, और आप इस व्हील्स की मदद से यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करने के लिए। तो जैसे मैंने इसे रोटेट किया आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसके बाद इसे लॉक कर दीजिए। और अगर आपको किसी और तरह का एडजस्टमेंट चाहिए तो आप इसके ऊपर दूसरा व्हील है जैसे आप रोटेट करके इसे लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, और इसे ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं। इसमें आपको अगर फ़ोन अटैच करना है तो उसके लिए फ़ोन के बैक पे या फ़ोन के कवर के अंदर इसके मेटल के पीसेज आते हैं वो आपको डालने, उसके बाद आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा। तो ये दो मेटल के पीसेज आते हैं इसके साथ, एक है गोल जो कि आप अपने फ़ोन के पीछे स्टिक कर सकते हैं, बट अगर आपके पास फ़ोन में कवर है तो आप इसे अपने फ़ोन के कवर में डाल सकते हैं फिर फ़ोन लगा सकते हैं। कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये मेरे फ़ोन का कवर है, इस पर मैंने ये मेटल डाल दिया और उसके बाद मैंने फ़ोन उसमें लगा दिया। तो अब मेरा फ़ोन एकदम रेडी है और मैं इसे एकदम से ऐसे स्टिक कर सकता हूँ, और इसका मैग्नेट काफ़ी स्ट्रांग है, कहीं फ़ोन जाएगा नहीं, आप इसे आराम से स्टिक कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप कभी भी अपना फ़ोन निकाल सकते हैं और उसे लगा सकते हैं, और अगर आपको इसे रोटेट करना है तो वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको फ़ोन को निकाल के यहाँ पे ऐसे कर देना, आपका फ़ोन जो है वो रोटेट हो जाएगा, और आप अगर मान लीजिए फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं तो गाड़ी साइड में रोक के फ़ोन को निकाल लीजिए आराम से, और यूज़ करने के बाद आप इसे वापस भी लगा सकते हैं। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इन दो मोबाइल होल्डर्स के बारे में, और अगर आप कोई मोबाइल होल्डर ख़रीदना चाह रहे थे तो आप पोट्रॉनिक्स के ये दोनों मोबाइल होल्डर कंसिडर कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, पोट्रॉनिक्स ने मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं भेजे हैं, ये मैंने अपने पैसों से लिए हैं,
और ये वाला जो मोबाइल होल्डर है ये मेरे पास करीब 2-3 साल से है और ये अभी तक सही चल रहा है। ये वाला मेरे पास 6 से 7 महीने से है, तो दोनों को मैंने अच्छे से यूज़ किया है और उसी के बाद मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।